हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर रोहन वक्ता। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन, स्पोर्ट्स एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट हूँ अहमदाबाद गुजरात से। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल ऑर्थो सॉल्यूशंस। तो आज के इस वीडियो में हम 10 प्रमुख कारणों के बारे में बात करेंगे जिनके कारण से पाँव के उंगलियों में दर्द होता है, जिसको टो पेन कहा जाता है। तो पाँव के पंजों की उंगलियों में दर्द होने के 10 प्रमुख कारण क्या है? सबसे पहला कारण है गाउट या फिर हाई यूरिक एसिड। गाउट क्या होता है? गाउट में हमारे शरीर में यूरिक एसिड नामक केमिकल की मात्रा बढ़ जाती है और उसके कारण टोज में पेन होने लगता है। दूसरे नंबर का कारण है विटामिन D3 की डेफिशिएंसी। विटामिन D3 एक ऐसा विटामिन है जो हमारे खून में से कैल्शियम को लेकर हड्डियों में जमा करता है। अगर विटामिन D3 कम हो जाता है, जैसे कि सूरज की रोशनी का एक्सपोजर कम रहना, खाने पीने में विटामिन D3 की मात्रा कम हो जाना, उससे विटामिन D3 डेफिशिएंसी हो जाती है और उसके पांव के पंजों की उंगलियों में दर्द होने लगता है। तीसरे नंबर का कारण है विटामिन B12 की डेफिशिएंसी। जैसा हमने बताया विटामिन D3 कम होने लगता है, वैसे विटामिन B12 भी वेजिटेरियन खाने में नहीं मिलता। अगर खाने पीने की साइकिल ठीक नहीं है, RO या एक्वागार्ड जैसा पानी आता है तो उसमें मिनरल्स काफी कम हो जाते हैं, तो उससे भी विटामिन B12 कम हो जाता है और उंगलियों में दर्द होने लगता है। चौथे नंबर का कारण है डायबिटीज। डायबिटीज के कारण एक कंडीशन होती है जिसको डायबिटिक पेरिफेरल न्यूरोपैथी कहा जाता है, जिसमें हाथ की उंगलियों या फिर पांव की उंगलियों की नसें सूखने लगती है, उसको न्यूरोपैथी कहा जाता है। और उंगलियों में दर्द होने लगता है, सूनापन लगता है, जैसे कि चींटियां काटती है ऐसा महसूस होता है। तो उसके लिए आपको डायबिटीज का टेस्ट करवाना चाहिए और डायबिटीज कंट्रोल में रखना चाहिए। पांचवें नंबर का कारण है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, इसको शॉर्ट फॉर्म में RAB कहा जाता है। अगर आपको रूमेटॉइड आर्थराइटिस है और उसकी ट्रीटमेंट चल रही है तो उंगलियों में दर्द कम रहता है, लेकिन रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट इरेगुलर है या फिर उसका डायग्नोसिस ठीक से नहीं हुआ तो सुबह उठने पे पांव के पंजों की उंगलियों में जकड़न आना और दर्द रहना काफी कॉमन है। छठे नंबर का कारण है अगर आप बहुत लंबे टाइम तक हार्ड सर्फेस पे चलते हो या फिर हार्ड सर्फेस पे आपको खड़ा रहना पड़ता है, आप बाहर की कॉन्क्रीट की सरफेस पे रनिंग करते हो तो रनिंग करने पे हार्ड सरफेस पे काफी जर्क्स लगते हैं और जर्क लगने के कारण वहां पे स्ट्रेस इंजरीज होती है और काफी कबार वहां पे स्ट्रेस फ्रैक्चर भी हो जाता है। जैसे कि कोई मिलिट्री में है, आर्मी में है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग करता है तो उनमें ये कंडीशन देखने को मिलती है। तो हमने देखा है कि अपने अगर नए शूज लिए हैं या फिर आपके फुटवेयर शूज काफी टाइट है तो टाइटनेस के कारण भी उंगलियों में दर्द हो सकता है, जैसे कि इसमें आपको आपके फुटवेयर चेंज करने चाहिए। आठवें नंबर का कारण है न्यूरोपैथीज, जैसे कि कोई जिसको स्मोकिंग की हैबिट है, टोबैको च्यूइंग की हैबिट है, उन लोगों में पेरिफेरल न्यूरोपैथीज देखने को मिलती है। उनमें पेरिफेरीज यानी कि जो हाथ और पांव की उंगलियां होती है उसकी नसें सिकुड़ जाती है, निकोटिन के कारण खून की नलियां भी सिकुड़ जाती है और वहां पे खून कम पहुंचता है। खून पहुंचने के कारण पांव की उंगलियों में सूनापन लगना, टिंगलिंग, नमनेस होना, पिंच एंड नीडल्स जैसे सेंसेशन हमें काफी कॉमन है, तो ऐसे केस में ये टोबैको च्यूइंग, सिगरेट स्मोकिंग वगैरह बंद कर देना चाहिए, जिससे ये कंडीशन ठीक हो सकती है। नौवें नंबर की कंडीशन है पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज। पेरिफेरल वास्कुलर डिसीज यानी कि जो खून की नलियां है उनकी खून की नलियां सिकुड़ जाती है और खून कम पहुंचने लगता है, उसके कई कारण है। उसके लिए आपको अल्ट्रासोनोग्राफी या फिर डॉक्टर की रिपोर्ट करवानी चाहिए। और दसवें नंबर का कारण है इन्फेक्शन। अगर वहां पे कोई चोट लग गई है, कोई कांटा चुभ गया है, कोई जीव जंतु ने बाइट किया हुआ है तो उसके कारण भी वहां इन्फेक्शन हो सकता है। डायबिटीज के कारण भी पांव की उंगलियों में इन्फेक्शन हो सकता है। इन्फेक्शन होने से उंगलियों में काफी सूजन रहती है, रेडनेस आ जाती है, गर्माहट महसूस होने लगती है और कभी कभार बुखार भी आता है। तो ऐसे केस में आपको ब्लड टेस्ट करवाना चाहिए। CBC, ESR, CRP वगैरह ब्लड टेस्ट करने से हमको पता चलता है और जरूरत पड़ने पे सोनोग्राफी भी करनी पड़ सकती है। तो मित्रों, हमने आपको इस वीडियो में पांव के पंजों की उंगलियों में दर्द होने के 10 प्रमुख कारणों के बारे में बात की। इसके अलावा आपको कोई डाउट है, क्वेश्चन है तो आप हमें लिख के भेज सकते हो, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप पूछ सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।